अरुंधति राय एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ लेखक नहीं, सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, एक ऐसा पब्लिक स्पेस क्रिएट करती हैं अपनी लेखनी से, अपने बोलने से, अपने समर्थन से, जिससे पता चलता है कि देश में जो लोकतंत्र पे संकट है वह कितना गहरा है और उसको, उस चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए कितनी दूर तक भारतीय नागरिक जा सकता है। आइए बात करते हैं अरुंधति राय से। अरुंधति, ये बताएं कि ये जो अभी जुडिशियल असॉल्ट ऑन सिटीजन राइट है, नागरिकों के अधिकारों पर जो एक तरह से पूरी न्याय प्रणाली ने हमला बोल रखा है, हमलावर है, ये जो ट्रिब्यूनल है, इसका आज के दौर में क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में? अगर आप किसी को समझाएंगे बाहर कि इस देश में जहाँ पे जिनको वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, इन मुद्दों पे ऊपर एक ट्राइब्यूनल करना पड़ रहा है हमें, कौन सा मुद्दों के ऊपर, जहाँ पे जंगल के अंदर सबसे गरीब आदिवासियों के ऊपर नरसिंहार हुआ है, जो गुजरात का नरसिंहार जो सब जानते हैं, जिसमें लाखों लोग अपने घर छोड़ दिया, जिसमें हज़ार से ज़्यादा लोग सड़क के ऊपर खुलेआम मारा गया, और इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना ये नहीं कह रहे कि हम इंसाफ नहीं देंगे, पलट के ये कह रहे कि जो एक्टिविस्ट ने हमारे ऊपर फेथ रखा, जिन्होंने इतने सालों लीगल प्रोसेस फॉलो किया, उनके ऊपर कोर्ट ने हमला बोला है, उनको तीसरा शीतलवाद को जेल में डाला है। और आज जो हिमांशु कुमार वाला जजमेंट है, जिसमें जैसे आज सोनी सोरी कह रही थी, वो सिर्फ हिमांशु कुमार को जेल में डालने के बारे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि NIA इसमें इंक्वायरी करेंगे। मतलब एक तो पहले वो जो खुद पुलिस ऑफिसर था दंतेवाड़ा का, वो खुद अभी NIA में DIG है, वो खुद अपना कांड के ऊपर खुद इंक्वायरी करेंगे, और वो एक तरह का ऐलान है कि आगे से अगर आप आदिवासियों को गांव से भगाना चाहते हैं, बलात्कार करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि देर इज़ नो लीगल रिकॉर्स इन दिस कंट्री। एंड एक्टिविस्ट्स जो है, जो हिम्मत करके लड़े हैं, मतलब आप सोच लो, जो आए थे गोमपड़ से 13 साल से या कुछ लड़ रहे हैं, अभी भी कितना हिम्मत दिखा रहे हैं, अभी भी वो वापस गांव में जाएंगे, उसी गांव में जहां वही पुलिस जिन्होंने मारा वापस आएंगे, वो वाला हिम्मत देखो। और उसके खिलाफ द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड हैज स्टेप बैक, तो हम अपने आप को डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? मतलब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को वो डिसमेंटल कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी and the political party all have fused into one, and all are being used to strengthen the party in power. So we have a structural problem here where we are heading towards, jaise governance has become gang war, and we are heading towards an impossibility known as a one party democracy. There's no such thing. एक चीज़ जो बहुत हैरान करती है कि क्या हमारा जो लोकतंत्र, अभी 75 साल हम मना रहे हैं आज़ादी के, तो क्या लोकतंत्र के जितने खंभे थे वो ताश के पत्ते जैसे थे कि 2014 में जो आंधी आई उसमें सब एक के बाद एक गिर गए, या ये प्रक्रिया पहले से, क्योंकि आप तो बहुत समय से इन तमाम मुद्दों पर लिख रही हैं, आपने कोर्ट का गुस्सा भी झेला है नर्मदा और बाकी मामलों में, तो लेकिन इस तरह से सारे के सारे एक ही जगह चले जाएंगे क्या? ये तो बहुत समय से आ रहे हैं, मेरे ख्याल में मैंने 2009 या 10 में मैंने एक लेख लिखा था कॉल डेमोक्रेसी इज़ फेलिंग लाइट, जिसमें मैंने बिल्कुल यही कहा कि ये सब खोखला होते जा रहे हैं। अब जो ट्रेजेडी है हमारे सामने, जो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में और सेंटर में जिन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज़ किया है, वो पार्टी सब अब कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑपोजिशन में है, उनका पुराना बहुत सारा करप्शन के मामले में भी और नरसिंहार के मामले में भी, जैसे छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ुम का हेड तो कांग्रेस बंदा था महेंद्र कर्मा, तो ये लोग सब एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है ये घिसने में,
अब वो घिसाई का स्पीड इतना हो गया कि वो हम लोग ऐसा एक जगह में पहुंचा है जहां पे ये डैमेज केस बाय केस भी देखी जा सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल है और द अटैक इज इन एवरी डायरेक्शन नाउ। कुछ रास्ता लगता है इस तरह के पब्लिक ट्रिब्यूनल से क्या हासिल क्या रहता है? देखो, एक ट्रिब्यूनल से शायद कुछ नहीं है, लेकिन मान लो कि हम ये नहीं करते हैं तो ये इसका क्या मतलब होता है या मैसेज होता है कि चलो कोई बात नहीं सब भूल जाओ। मतलब हम लोग अभी ऐसा जगह में आ गए, हारे या जीते हम लड़ेंगे, है ना, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ हम डूबेंगे, हारेंगे, जेल जाएंगे, जो कुछ भी है, लेकिन हमें करना पड़ता है ना, जो हमें कर। इन आदिवासियों का हालत देखे हम क्या चुप रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं कुछ नहीं? अब कितने सारे जजेस आए हैं, मीडिया आए हैं, आप आए हैं, हम आए हैं, ये कहानी तो भूला नहीं जा सकता है कभी भी, याद रखना ज़रूरी है। और क्या वहाँ से रास्ता निकलेगा? याद रखना ज़रूरी है, क्लियर थिंकिंग ज़रूरी है, और हमें ये पता होना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सब लोग लेट जाएंगे ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ लेट गए तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं, हम लड़ेंगे, लिखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुंधति।